वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। शुभ संध्या मित्रों, नमस्कार। संदीप शर्मा तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल में टेक्नो विद फ्रेंड्स। तो क्षमा प्रार्थी हूँ, वीडियो आज लेट इसलिए आया है क्योंकि थोड़ा सा इतना व्यस्त था मैं कि पूछे मत। लेकिन अभी आप लोगों के लिए टाइम निकाला था, फटाफट से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो कल हमने अंग्रेजी ग्रामर का एक वीडियो बनाया था, आज हम हिंदी ग्रामर का एक वीडियो बनाएंगे। हिंदी ग्रामर का भी एक बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा तो आप उसे भी सीख पाएंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अब अपने जैसे गीता का ग्रंथ है या जैसे मुस्लिम भाइयों का जो कुरान ग्रंथ है उसको भी एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में कैसे पढ़ा जा सकता है या उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर भी मैं धीरे धीरे बात करूँगा, कोशिश करूँगा ऐसे वीडियो भी लाने की ताकि आप लोगों को टेक्नोलॉजी हर प्रकार से प्राप्त हो। हाँ, जैसा कि मैंने ब्रेल पर बात की थी आप लोगों से, तो बिल्कुल तैयारी मैंने सारी कर ली है। अब आपको कल जो है एक ओवरव्यू दिया जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ सरप्राइज़ चीज़ें दिखाई जाए ब्रेल में, उसके बाद फिर हम ब्रेल को अल्फ़ाबेट से लेकर और पूरा सीखेंगे। जितना मैं सिखा सकता हूं, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको पूरी तरह से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल से, कल से आप लोगों के लिए ब्रेल का सत्र शुरू हो रहा है। और हाँ, अब हम MySQL पे भी काम करेंगे। MySQL का मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो मैंने सीख लिया उसको थोड़ा बहुत। तो जितना मैंने सीखा मैं आपको बेसिक इसके लिए करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांस जितना आगे सीखेंगे फिर आपको सिखाते रहेंगे। और पाइथन के वीडियो भी जल्द ही बस कोशिश करूँगा इसी हफ्ते मैं अपलोड करवाना शुरू कर दूँ, तो वो देखेंगे। पहले एक बार ये कंसेप्ट जो ब्रेल वाला और MySQL वाला हाथ में लिया है तो इस कंसेप्ट को भी पूरा करेंगे, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित हमारा ये ग्रुप जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहेगा, निश्चिंत रहिए। और हम और भी कुछ मैंने चीज़ें सोची है आप लोगों के लिए, एक जल्द ही कल या परसों तक एक सरप्राइज़ अनबॉक्सिंग भी करेंगे हम, तो उसको भी आप देखिएगा आज या कल या परसों तक, जब भी पॉसिबल हो सके मेरे पास वो जैसे चीज़ आ जाएगी तो उसके अनबॉक्सिंग करूँगा, बहुत ही बेहतरीन और आपको मज़ा आएगा उस अनबॉक्सिंग को देखकर। ब्लाइंड कम्युनिटी में पहला चैनल होगा जिसने इस तरह की अनबॉक्सिंग की होगी। तो खैर चलिए लाइव अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी, तो आपको मैं उसका जो है लिंक शेयर कर दूँगा पहले, तो आप लोग लाइव अनबॉक्सिंग देखेंगे। तो वो है अभी वर्तमान में हम आज बात करते हैं ग्रामर ऐप हिंदी की। तो कल हमने इंग्लिश ग्रामर की बात की थी, कुछ चीज़ें देखी, आज हम हिंदी ग्रामर की कुछ चीज़ें देखेंगे। एप्लीकेशन हिंदी ग्रामर का हमने इंस्टॉल कर लिया, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, टॉकबैक ऑन कर दिया, इंग्लिश ग्रामर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण पर क्लिक करेंगे सीधा, हिंदी व्याकरण ओपन हो रहा है। बहुत ही अच्छा ऐप है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हमारे पास वही नेविगेट अप, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर आप शेयर ये वीडियो मतलब कि जो है इस ऐप को शेयर कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है इसमें। और इधर भाषा, पहला है भाषा, व्याकरण, फिर है व्याकरण, वर्णमाला, फिर वर्णमाला, शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, लिंग, उपसर्ग, संधि विच्छेद, कारक, प्रत्यय, मुहावरा, समास, वचन, अलंकार, विलोम, निबंध, लेखन, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, दैनंदिनी लेखन, टिप्पण लेखन, विराम चिन्ह, युग्म संक्षेपण, छंद, मीर, रुपए, सेंटेंस, शब्दार्थ,
धातु स्टैब पद बंद उपवाक्य शब्दों की अशुद्धियां प्रतिवेदन तत्सम तद्भव शब्द बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे आपको मिलेगा भाषा। तो सबसे पहले हम भाषा पर क्लिक करते हैं। भाषा क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल भाषा की दी गई है। देखिएगा यहाँ पर आपको ऊपर पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ पर एक रेड कलर में हेडिंग दिया गया है, देखिए भाषा लैंग्वेज की परिभाषा डैश हिंदी व्याकरण। ठीक है, स्वाइप करेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। ये चीज है, बहुत ही बड़ा पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा पेज इसमें दिया है। देखिए आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते रहें आप इसको। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है, अमरीका की राजभाषा अंग्रेजी है। बहुत ही अच्छी ऐप। इस तरह की ऐप के अगर ट्यूटोरियल बनाए जाएँ तो मुझे लगता है आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। जो हिंदी में अनकम्फर्टेबल है वे इस हिंदी को सीख पाएंगे। और यहाँ पर इसको कॉपी किया जा सकता है। क्या हम इस सारे नोट को कॉपी कर कर कहीं और सेव रख सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं मुझे नोट कॉपी करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करके देखें। यहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया है इसको और यहाँ पर दूसरे शब्दों में सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया। बिल्कुल आप इसे पूरा कॉपी कर सकते हैं। शेयर कॉपी 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 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने ये नोट सारा कॉपी पर कर लिया है। अब मैं इसको किसी भी नोट पैड में यानी कि जैसा कोई भी कोई सरल ओआई नोट पैड में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐड नोट पे क्लिक किया और डबल टैप करके लॉन्ग प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए कितना पूरा पूरा जितना भी पैराग्राफ था पूरा इसने कॉपी कर दिया। इसमें देखिए आपको आवाज़ से सुन रहा होगा, टॉकबैक की टिक टिक की आवाज़ सुन रही है। कितना लंबा पूरा जो भाषा के बारे में पूरी जानकारी इसने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। देखिए भाषा लैंग्वेज की परिभाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हमने इसको नोटपैड में कॉपी कर लिया। अब अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहो, आपको डिटेल चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर अपन ओपन करते हैं। दूसरे हमारा अगला जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण वर्णमाला अल्फाबेट। अगला है व्याकरण, एक सेकंड, व्याकरण ग्रामर वर्णमाला व्याकरण सिलेक्टेड भाषा। हमने भाषा को सिलेक्ट कर रखा है जो कि नीले कलर का हो गया है। अब हम व्याकरण पर क्लिक करेंगे। डबल टैप किया मैंने हिंदी व्याकरण 7 07। तो अब यहाँ पर हमने हिंदी व्याकरण वाला टॉपिक खोल लिया है। ऊपर देखिए व्याकरण ग्रामर की परिभाषा हिंदी व्याकरण, व्याकरण अर्थात ग्रामर की परिभाषा। अब देखिए परिभाषा क्या दी है इन्होंने वो देखते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना लिखना एवं समझना आता है। स्वाइप करेंगे। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वस्तुतः व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है और इन नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण के ये नियम भाषा को मानक एवं परिनिष्ठित बनते हैं। व्याकरण स्वयं भाषा के नियम नहीं बनाता। एक भाषा भाषी समाज के लोग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को आधार मानकर व्याकरण व्याकरणिक नियमों को निर्धारित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण हमें भाषा के बारे में जो ज्ञान कराता है उसके तीन अंग हैं ध्वनि शब्द और वाक्य। व्याकरण में इन तीनों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। एक ध्वनि विचार, दो पद विचार, तीन वाक्य विचार। व्याकरण के प्रकार, एक वर्ण या अक्षर, एक वर्ण या अक्षर। भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए सकते हैं जैसे ब, म, क, ल, प आदि। देखिए मैं बताता हूँ, व्याकरण एक भाषा का भाषा को सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करने का तरीका व्याकरण होता है। व्याकरण के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है ना, उसके बाद फिर वर्ण शब्द वाक्य प,
पैराग्राफ सब मतलब आगे चलता रहता है पूरा परिशिष्ट पृष्ठ। तो ये सभी चीज़ें व्याकरण के अंतर्गत आती है। आप इसे पढ़ेंगे, इस ऐप के विषय में थोड़ा सा स्वाइप करेंगे। हम ऐसे ही मोबाइल में फालतू की ऐप्स डाउनलोड करते रहते हैं, कभी टिकटॉक कर लेते हैं, कभी पबजी कर लेते हैं, कभी ये कभी वो। इसके बजाय हम ऐसी एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप घर बैठे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में हमें ऐसी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है ताकि हमें अधिक से अधिक ज्ञान और वो भी निःशुल्क मिल सके। ये भी आपको ज्ञान निःशुल्क ही मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा पृष्ठ है इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे वो मैंने बताया, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे टॉकबैक की सहायता से आप पूरा कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक एक लाइन को एक एक पैरा को बोलता है। व्याकरण विद्या है, एक साथ कॉपी करना हो तो लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पर जो है शेयर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर देखिए शेयर भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। डबल टैप करते हैं, ये कॉपी हो गया। अब इसे किसी भी नोटपैड में आप पेस्ट कर दीजिए, ये आपका पूरी जानकारी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा हिंदी व्याकरण शब्द विचार वर्णमाला अल्फाबेट। अब इसके बाद आता है वर्णमाला। देखिए अभी तक जो है रेड कलर सॉरी ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है हमारे सिलेक्टेड व्याकरण, यहाँ पर ये बोल भी रहा है सिलेक्टेड व्याकरण ग्रामर। इसके बाद है वर्णमाला अल्फाबेट, आपको बताइए वर्णमाला सब लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा वर्णमाला अल्फाबेट हिंदी व्याकरण। ये देखिए ये इसकी हेडिंग है, पढ़ लीजिए वर्णमाला अल्फाबेट की परिभाषा हिंदी व्याकरण। स्वाइप करेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे डॉलर ई व च क ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। र प्लस आ प्लस म प्लस डॉलर इक्वल्स राम, ग प्लस डॉलर प्लस ये प्लस आ इक्वल्स गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये बताया है कंक्लूजन आपको, क्योंकि ये हिंदी बोल रहा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का एक अलग अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक वर्ण जैसे क का अपना अस्तित्व है, ख का अपना है, ग का अपना है, तो इसी प्रकार से व्यंजन स्वर अलग अलग होते हैं, आपको पता है। इस विषय में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छे से इसमें आपको जानकारी दी गई। आगे वर्ण विचार मिलेगा, उसमें आपको पूरी जानकारी डिटेल मिलेगी, वर्ण विचार कैसे करते हैं, वर्ण स्वरों को कैसे विभक्त किया जाता है, स्वर के भी अलग अलग प्रकार हैं, फिर वर्णों के ये अपना व्यंजन के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग वर्ग कहलाते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, है ना। इसी तरह से ये वर्ग कहलाते हैं, 5 वर्ग होते हैं ये, तो इसके अंदर अलग अलग व्यंजन होते हैं, तो आप इसे पढ़िएगा और अच्छे से अनुभव कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इसके अंदर कंफर्म मिलेगी। जैसे कि अंग्रेज़ी वाली मैंने ऐप बताई थी, वैसे ये हिंदी की ऐप है। कल सागर दास जी ने पूछा था मुझसे कि आप हिंदी व्याकरण की कोई ऐप बताएं, तो इससे अच्छी ऐप मुझे कोई नहीं मिली, क्योंकि और बहुत सारी ऐप है उसमें वो पेड ऐप्स है, तो पेड ऐप्स पे खर्चा करने की अपेक्षा हम इस ऐप से हिंदी व्याकरण को सीख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप आराम से इसे डाउनलोड करके और अपना हिंदी व्याकरण का कार्य कर सकते हैं। आप हिंदी अच्छे से सीख सकते हैं, मतलब कोई भी आपको कन्फ्यूज, अगर आप हिंदी पढ़ना अच्छे से जानते हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हम लोगों की बात रही दृष्टिहीन व्यक्तियों की, तो हम तो इसे सुनकर जैसे नील कितना अच्छे से शब्द बोल रहा है, देखिए वर्ण, इसको थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं यहाँ से। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, हिंदी डॉलर आ क ख ग, अंग्रेजी ए बी सी डी ई, तो इस तरह देखा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ आ रहा है। तो आप लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जिनको हालांकि हिंदी तो सभी को आती है, लेकिन एक व्याकरणात्मक दृष्टि से अगर हिंदी को सीखना है तो इस ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा रिकमेंड कर सकते हैं इस ऐप को। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इस ऐप में बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर तो हम कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको इसके विषय में और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, बहुत ही अच्छी ऐप है ये और आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे आराम से। इस पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ग्रुप में मुझसे मांग लीजिएगा, या पर्सनल आप मुझसे इस ऐप का लिंक ले सकते हैं, या प्ले स्टोर पर हिंदी ग्रामर सर्च करेंगे। ऐसे हिंदी ग्रामर सर्च करोगे कई सारी ऐप मिलेगी, कुछ कन्फ्यूज ऐप है,
तो आप इसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये ऐप ज़्यादा बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसे यूज़ कर सकेंगे। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपका समय और दिन दोनों शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। 40, 40, 33, 40, 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